लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल जो कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली हम कैसे फाइंड करते हैं जितने uh, भी वर्क सेंटर्स हैं उनको हम uh, जो स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पर uh, उनके कैपेसिटी के इक्विलेंट हम देखते हैं कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और बेसिकली uh, जिस कभी यूनिट uh, कम होंगे वो हमारे लिए बॉटल नेक है या कंस्ट्रेंट है बिल ऑफ मटेरियल जो है जो हमने स्टडी किए थे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के अंदर बिल ऑफ मटेरियल इज बेसिकली एंड प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स और कौन सी सब असम्बली जाएंगी और उन सब असेंबलीज में कौन से कंपोनेंट्स जाएंगे और उस बेसिस के ऊपर होता है तो बिल ऑफ मटीरियल क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते वो वही रहता है से uh, एक्स के अंदर वाई और जी जा रहे हैं वन वन यूनिट तो यही रहेगा तो हम एंड प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर हम डिटर्मेंट कैपेसिटी कर सकते हैं एक्स और सॉरी वाई और जी की आ, के एक्स के बेसिस के ऊपर अगर वन एक्स के अंदर वन वाई जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वाई की जो प्रोडक्शन है वो एक्स के इक्वलेंट क्या बन रही है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल इन दिस एग्जांपल एक्स वाई और जी तीन प्रोडक्ट uh, है इसके अंदर एक्स एंड प्रोडक्ट है और वाई वन वाई एंड वन जी कंबाइन मेक वन एक्स इसके अंदर जो एक्स की क्वांटिटी uh, है uh, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने का uh, फायदा नहीं है वाई और जी का लेट्स लुक एट ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम इसके अंदर एक्स एक एक्स में एक वाई और एक जी है वर्क सेंटर ट्वेंटी जो है उसकी कैपेसिटी इज फोर्टी आवर्स पर वीक और वर्क सेंटर ट्वेंटी जो है दैट कैन प्रोड्यूस वाई एंड जी और उसका सेटअप जो टाइम है वाई का वो वन आवर है जी का सेटअप टाइम इज टू आवर्स रन टाइम वाई का इज पॉइंट थ्री आवर्स पर यूनिट एंड जी का इज पॉइंट टू आवर्स पर यूनिट यानी के इसको हमने एक्स के इक्वल कर दिया तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट थ्री आर्स पर एक्स एंड पॉइंट टू आर पर एक्स लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वाई एंड जी तो उसके अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम कहते हैं कि जी वन आर सेटअप टाइम y का प्लस पॉइंट थ्री रन टाइम y की मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वाईज जो कि x के उसमें हमने दिया हुआ है टू आवर्स z के सेटअप टाइम प्लस पॉइंट टू आवर्स रन टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ z अगेन x की सब्स्टिट्यूट हमने किया हुआ है एक्स यूज कर रहे हैं दिस शुड बी इक्वल टू जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है फोर्टी आवर्स तो इसके हिसाब से अगर हम देखें सो तो इट बिकम्स पॉइंट फाइव एक्स इज इक्वल टू तो थर्टी सेवन सो तो एक्स बिकम इक्वल टू तो सेवेंटी फोर सो तो वॉट डज दैट मीन के वर्क सेंटर ट्वेंटी से हम इक्वल टू तो सेवेंटी फोर एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सेवेंटी फोर एक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेवेंटी फोर वाई और सेवेंटी फोर जेड चाहिए सो दैट मीन्स इस वर्क सेंटर से हम 74 फोर वाइज एंड सेवेंटी फोर जेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सो so इस बेसिस के ऊपर हम इसका जो कैपेसिटी है वो हम देख सकते हैं कि हम अल्टीमेटली कितने एक्स इसमें प्रोड्यूस करेंगे